हेलो स्टूडेंट्स, माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्नोलॉजीज सब्जेक्ट के अंदर आज अपने लेक्चर नंबर 6 पढ़ेंगे। और आज के इस लेक्चर में अपना टॉपिक है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फॉर प्लांट टिश्यू कल्चर। यदि आप अपना सिलेबस देखोगे तो उस सिलेबस के अंदर इस टॉपिक को अलग से मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन सिंपल सी बात है कि जब अपने प्लांट टिश्यू कल्चर पढ़ रहे हैं तो दो उसके बेसिक टॉपिक हैं, वो चाहे तो सिलेबस में दिए हुए हैं चाहे नहीं दिए, वो अपने को पढ़ने ही पड़ेंगे। एक तो स्टरलाइजेशन टेक्निक्स और दूसरा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो आज अपने 5th लेक्चर के अंदर अपने पढ़ी थी स्टरलाइजेशन टेक्निक्स के बारे में, और आज अपने पढ़ेंगे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बारे में। देखो, प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर या इनविट्रो कल्चर के अंदर अपने प्लांट को लैब के अंदर ग्रो करवाते हैं, और लैब के अंदर अपने एक सुटेबल कल्चर मीडियम या सुटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम पर अपने उसे कल्चर करते हैं। वो जो सुटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम होता है या कल्चर मीडियम होता है, उसी से एक्स प्लांट को रिक्वायर न्यूट्रिएंट मिलते हैं। तो प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए अलग अलग टाइम पर अलग अलग साइंटिस्टों ने काफी सारे कल्चर मीडियम दिए। ठीक है, तो उनके थोड़े से अपने नाम लिख लेते हैं कि कौन से साइंटिस्ट ने कौन सा कल्चर मीडियम प्रोवाइड करवाया था, और प्रेजेंट टाइम के अंदर कौन सा कल्चर मीडियम काम में लिया जाता है, अपने उसकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले अपनी बात करें, साइंटिस्ट आता है फर्स्ट नंबर पर, निस्ट एंड निस्ट। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने एक कल्चर मीडियम या न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड करवाया। फिर साइंटिस्ट आते हैं दो, मुराशिगे एंड स्कूक। इन्होंने एक अलग कल्चर मीडियम प्रोवाइड करवाया और उसे अपने शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एम एस मीडियम। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है कि एमएस मीडियम की जो डिस्कवरी है वो किसने की थी, मुराशिगे एंड स्कूक ने। और प्रेजेंट टाइम के अंदर प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर सबसे ज्यादा अपने किस मीडियम को काम में लेते हैं, एमएस मीडियम को। फिर दो साइंटिस्ट और हैं, दो तीन साइंटिस्ट। एक साइंटिस्ट आता है गैम्बोर्ग। ठीक है, गैम्बोर्ग ने जो कल्चर मीडियम प्रोवाइड करवाया था उसे अपने नॉर्मली कहते हैं बी फाइव मीडियम। ठीक है, फोर्थ अपने साइंटिस्ट याद कर सकते हैं चू। ठीक है, चू ने जो कल्चर मीडियम प्रोवाइड करवाया था उसे अपने नॉर्मली कहते हैं N6 मीडियम। तो ये आ सकता है कि मुराशिगे और स्कूग ने MS मीडियम को डेवलप किया था, गैम्बोर्ग ने B5 को और चू ने N6 को। प्रेजेंट टाइम के अंदर प्लांट टिश्यू कल्चर के प्रोसेस में एक्स प्लांट को कल्चर करने के लिए कौन सा मीडियम काम में लेते हैं, एमएस मीडियम। ठीक है, तो अपने आज एमएस मीडियम की ही डिस्कस करेंगे कि इस एमएस मीडियम होता है जो ये मीडियम है, इस मीडियम के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिक कौन कौन से इनऑर्गेनिक जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, या कौन से PGR होते हैं, कौन सा कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है, उस पर अपने डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने बात करते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की, कि इसके अंदर कौन कौन से, एमएस मीडियम के अंदर कौन कौन से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फर्स्ट अपने पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को भी अपने दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट तो मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड सेकंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है वो अपने को पता ही है कौन कौन से होती हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। लेकिन जो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है वो किसकी होती है, नाइट्रोजन की। तो इस नाइट्रोजन को आपने याद रखना है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, उसके अंदर वही 6 होते हैं जो अपने नॉर्मली पढ़ते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट किसकी होती है, नाइट्रोजन की होती है।
दूसरा अपने बात करें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, जो भी आपके नाम याद हैं, मैग्नीज, बोरॉन, कॉपर, ठीक है, या जो कोबाल्ट, जो भी आपके कोबाल्ट और कॉपर, निकल, जितने भी आपके नाम याद हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के, तो वो सभी इसके अंदर क्या आते हैं, नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन यहां से नहीं पूछा जाएगा, यदि न्यू टाइप के अंदर क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन किस प्रकार आएगा कि कल्चर मीडियम के अंदर सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट या सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है, तो कौन सा होता है, नाइट्रोजन। तो ये हो गए अपने इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। फिर अपने बात करते हैं इसके अंदर एक और पढ़ सकते हैं इसमें अपने कार्बन सोर्स। ठीक है कि कल्चर मीडियम के अंदर कार्बन सोर्स के रूप में क्या प्रेजेंट होता है, तो कार्बन के सोर्स के रूप में वहां पे अपने ऐड करते हैं सुक्रोज को। ठीक है, कार्बन सोर्स क्या होता है, सुक्रोज। न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर कार्बन सोर्स के रूप में क्या प्रेजेंट होता है, सुक्रोज। अपने पढ़ा था कि अपने कल्चर मीडियम को या न्यूट्रिएंट मीडियम को ऑटोक्लेव के द्वारा क्या करते हैं, स्टरलाइज करते हैं। तो जब अपने न्यूट्रिएंट मीडियम का ऑटोक्लेविंग करते हैं, ऑटोक्लेव से स्टरलाइज करते हैं, तो ये जो सुक्रोज है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो ये अपने याद रखने हैं कि जो अपना इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट कौन से हैं, मैक्रो और माइक्रो, जिसमें मैक्रो में सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट किसकी है, नाइट्रोजन की। कार्बन सोर्स कौन सा होता है, सुक्रोज अपने ऐड करते हैं, लेकिन जब अपने ऑटोक्लेविंग करते हैं तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। थर्ड अपने पढ़ते हैं इसमें ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स या ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स। ठीक है, ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स के अंदर आपने सबसे पहले अपने पढ़ेंगे विटामिन। तो अपने कल्चर मीडियम के अंदर काफी सारे विटामिन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होता है या जो इसेंशियल होता है, आवश्यक होता है, वो होता है B1, जिसे अपने क्या बोलते हैं, थायमिन। ठीक है, B1 या थायमिन। तो विटामिन आपने कौन सा याद रखना है कि B1 या थायमिन, ये कल्चर मीडियम के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में होता है, ये एसेंशियल होता है। ठीक है, फिर आपने पढ़ना है इसमें अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड भी इसमें काफी सारे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो एसेंशियल होता है, आवश्यक होता है, वो होता है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन अमीनो एसिड एसेंशियल होता है, वो प्रेजेंट ही होता है। ठीक है, बाकी भी हो सकते हैं, लेकिन जो ग्लाइसिन है ये ही आपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। फिर अपने इसमें बात करते हैं अदर ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स, अदर ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स, कि यदि जो ऊपर वाले ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स हैं उनसे काम ना चले तो अपने उस कल्चर मीडियम के अंदर क्या ऐड कर सकते हैं, टमाटर का रस, ठीक है, अपने कोकोनट मिल्क, कोकोनट मिल्क, या अपने लिख सकते हैं जो मेज का मिल्क होता है, ठीक है, मक्का का दूध होता है, या मिल्क ऑफ मेज, मिल्क ऑफ मेज, ये भी अपने ऐड कर सकते हैं। एक्टिवेटेड चारकोल भी अपने ऐड कर सकते हैं, सक्रिय चारकोल या एक्टिवेटेड चारकोल भी अपने क्या कर सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है अपने अदर ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स। टोमेटो सैप हो जाएगा, कोकोनट मिल्क हो जाएगा, मिल्क ऑफ मेज हो जाएगा, और एक्टिवेटेड चारकोल हो जाएगा। इसके अलावा अपने इसमें याद रखते हैं एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक के रूप में आपने दो इसमें एंटीबायोटिक याद रखने हैं, एक तो स्ट्रेप्टोमाइसिन और दूसरा कैनामाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड सेकंड कैनामाइसिन। ठीक है, तो ये हो गए अपने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर आपने याद रखना है नाइट्रोजन,
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि थ्योरी पूछी जाती है तो आपने सारे लिखने हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछे जाएंगे तो यहाँ से पूछा जाएगा नाइट्रोजन, यहाँ से पूछा जाएगा कार्बन सोर्स सुक्रोज, ऑर्गेनिक के अंदर विटामिन पूछा जाए तो आंसर आपका क्या होगा B1, अमीनो एसिड में आपका आंसर क्या होगा ग्लाइसिन, अदर ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स में वहां पे अपने ऑप्शन में क्या हो सकते हैं टोमेटो सोया कोकोनट मिल्क, मिल्क ऑफ मेज, एक्टिवेटेड चारकोल। एंटीबायोटिक्स दो नाम याद रख लेना, स्ट्रेप्टोमाइसिन और कैनामाइसिन। नेक्स्ट अपने बात करते हैं ग्रोथ रेगुलेटर, तो ग्रोथ रेगुलेटर की अपने बात करें तो जो आपका सिलेबस है इसमें अलग से भी दी हुई है, तो अपने ग्रोथ रेगुलेटर को डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन वैसे यहां पर भी अपने देख लेते हैं कि कल्चर मीडियम के अंदर कौन कौन से ग्रोथ रेगुलेटर प्रेजेंट होते हैं। ग्रोथ रेगुलेटर, तो ग्रोथ रेगुलेटर कौन से होते हैं, इसमें ऑक्सिन भी प्रेजेंट होता है, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ठीक है, एबीए, ये कुछ मेन इसमें अपने जिब्रेलिक एसिड भी ऐड कर सकते हैं या जिब्रेलिन, ठीक है, जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन, ये कुछ मेन पीजीआर हैं चार जिनका कल्चर मीडियम के अंदर यूज किया जाता है। अब इनका यूज क्या होता है, कौन कौन से ऑक्सिन होते हैं, कौन कौन से साइटोकाइनिन होते हैं, वो अपने जो अपना अलग टॉपिक है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपने डिस्कस करेंगे ग्रोथ रेगुलेटर वाले टॉपिक को डिटेल में, ठीक है। अब अभी के लिए सिर्फ आपने नाम याद रखने हैं कि उसमें कौन कौन से होते हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एबीए और जिब्रेलिन, तो ये अपने हो गए ग्रोथ रेगुलेटर। इसके अलावा अपने जो मेन इसमें पढ़े सोलिडिफाइंग एजेंट, सोलिडिफाइंग एजेंट कि नॉर्मली जो अपना कल्चर मीडियम होता है वो किस प्रकार का होता है, सेमी सॉलिड होता है, ना ही तो वो लिक्विड होता है ना ही वो सॉलिड होता है, वो किस प्रकार का होता है, सेमी सॉलिड। तो उसे सेमी सॉलिड बनाने के लिए अपने कल्चर मीडियम के अंदर किसका यूज करते हैं, अगार का, या जिसे अपने नॉर्मली बोलते हैं अगार अगार। ये अगार अगार क्या है, ये होता है पॉलीसेकेराइड, क्या होता है, ये पॉली सैकेराइड होता है, ठीक है। ये जो अगार अगार ये पाउडर लाइक स्ट्रक्चर है, ये अपने को किससे मिलती है, ये अपने को मिलती है सी वीड से, किससे मिलती है, सी वीड या समुद्री खरपतवार से। कौन सा सी वीड है, कौन सा वो समुद्री खरपतवार है, तो वो एक एल्गी होता है, कौन सा एल्गी, रोडोफाइसी का वो एक मेंबर है, ठीक है, जिसका अपने नाम लिख सकते हैं यहां पर जिलेडियम, जिलेडियम, ठीक है, किससे मिलता है, वो एक रेड एल्गी है, रोडोफाइसी का मेंबर है जिलेडियम, जिससे अपने को अगार अगार मिलता है, ठीक है। इसमें अपने और भी बातें ऐड कर सकते हैं सॉलिडिफाइंग एजेंट के अंदर कि जो अगार अगार होता है वो कितने परसेंट होता है, 0.5 से 0.1, 0.5 से लगभग 1% अपने जो अगार अगार है उसको अपने यूज करते हैं, ठीक है। और प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर अपने कौन से अगार का यूज करते हैं, डिप्टोबैक्टो अगार का, किसका, डिफको बैक्टो अगार, ठीक है। तो ये बातें आपने याद रखनी है इसमें कि अगार अगार सोलिडिफाइंग एजेंट में यूज करते हैं सेमी सॉलिड बनाने के लिए, ये मिलता कहाँ से है, सी वीड, किससे, एग्जाम्पल जिलेडियम से। प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर कौन सा अगार यूज करते हैं अपने, डिफ्टोबैक्टो अगार, डिफ्टो बैक्टो अगार, तो ये होगा अपना सोलिडिफाइंग एजेंट। फिर अपने बात करें कि जो अपना कल्चर मीडियम होता है उसकी पीएच कितनी होती है, तो पीएच होती है 5 से 6 के बीच में, या आप लिख सकते हैं 5.8। यदि पीएच 6 से ज्यादा हो जाएगी तो अपना कल्चर मीडियम ज्यादा सॉलिड हो जाएगा, 5 से कम हो जाएगी तो अपना कल्चर मीडियम लिक्विड हो जाएगा। और इस पीएच को मेंटेन करने के लिए अपने उसके अंदर बफर सॉल्यूशन मिलाते हैं, EDTA, बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन, तो ये पीएच भी आपने याद रखनी है। और जो अपना कल्चर रूम होता है उसका जो टेम्परेचर अपने रखते हैं, ठीक है, टेम्परेचर होता है लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, तो ये न्यूट्रिएंट मीडियम या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के अंदर जो आपने पढ़ा है कल्चर मीडियम उसके अंदर ये सप्लीमेंट प्रेजेंट होते हैं, कौन सा इनऑर्गेनिक, कौन सा ऑर्गेनिक और कौन से अदर।
इसमें आपने याद रखना है कि जब अपने नॉर्मली प्लांट टिश्यू कल्चर करते हैं तो कई बार क्या होता है कि जो अपना कल्चर मीडियम है वो ब्राउन कलर का हो जाता है। कल्चर मीडियम किस कलर का हो जाता है? कल्चर मीडियम ब्राउन कलर का हो जाता है। वो ब्राउन कलर का किसके कारण होता है? वो फिनोलिक कंपाउंड के कारण जो अपना कल्चर मीडियम है वो ब्राउन कलर का हो जाता है, कि एक्स प्लांट से फिनोलिक कंपाउंड सिक्रीट होते हैं जिसके कारण कल्चर मीडियम ब्राउन कलर का हो जाता है और एक्स प्लांट की ग्रोथ सही से नहीं हो पाती। तो कल्चर मीडियम के ब्राउन होने को रोकने के लिए अपने कल्चर मीडियम के अंदर क्या ऐड कर सकते हैं? कल्चर मीडियम के अंदर अपने सिट्रिक एसिड यूज कर सकते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड यूज कर सकते हैं, सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, या अपने इसमें पड़े पॉलीविनाइल, किसको ऐड कर सकते हैं? पॉली विनाइल पाइरोलिडोन, ठीक है, कि जो अपना कल्चर मीडियम है वो प्लांट टिश्यू कल्चर के प्रोसेस के बीच में कई बार ब्राउन कलर का हो जाता है। वो क्यों होता है? फिनोलिक कंपाउंड के सिक्रीट होने के कारण। अब यदि उसको ब्राउन होने से बचाना है तो अपने उस कल्चर मीडियम के अंदर क्या ऐड कर सकते हैं? सिट्रिक एसिड या एस्कॉर्बिक एसिड या पॉलीविनाइल पाइरोलिडोन। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपने याद रखने हैं। इसमें से 4 नंबर में, 15 नंबर में, ऑब्जेक्टिव टाइप, बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो नेक्स्ट जो आपका 7th लेक्चर होगा, उस 7th लेक्चर के अंदर अपने ग्रोथ रेगुलेटर को डिटेल में पढ़ेंगे कि प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर ग्रोथ रेगुलेटर का क्या यूज होता है, कौन सा पीजीआर किस प्रकार ग्रोथ को प्रमोट करता है या कौन सी ग्रोथ के लिए वो इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो अपने मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।